स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल BLK ध्रुव पर, और मेरा नाम है ध्रुव। तो गाइस जैसा कि हमारे YouTube चैनल का 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जिनकी कृपा से ये सब हो रहा है, अपने भोलेनाथ अपने महादेव की कृपा से। तो हम जा रहे हैं अपने महादेव के दर्शन करने के लिए, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए, इस खुशी में कि हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। हम जा रहे हैं अपने शहर के मुजफ्फरनगर के चौक पर, जो कि हमारे यहाँ घर से थोड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं अभी हम वहाँ पर। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी भी आ रही है, जिसके लिए जो पूरा शहर है वो सज चुका है, झालरों से, फूलों से, मंदिरों जो हैं अच्छी तरह से, मतलब बहुत प्यारे तरीके से सजा दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं बाबा भोला के दर्शन करने के लिए, और फिर मैं उसके आपको दिखाऊंगा हमारा शहर किस तरीके से सजाया गया है जन्माष्टमी को लेकर। तो भाई हम लोग जो हैं घर से निकल चुके हैं शिव चौक जाने के लिए, और अभी हम हैं इस वक्त शहर की मार्केट में। चलिए मैं आपको अभी शहर के मार्केट में दिखाता हूँ। और भाई अभी जन्माष्टमी तैयारी है, वो जोरों शोरों से चल रही है, और शिव चौक जो हमारे घर से है 2 किलोमीटर के आसपास है, कम से कम 2 किलोमीटर ही दूर है। तो चल रहे हैं भाई शिव चौक भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो इस वक्त हम हैं अपने शहर की शहर के मार्केट में, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हमारे शहर का जो है ये मार्केट है। भाई अपने शहर के फ्लाईओवर पर, और फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद जो शिव चौक है वो रह जाता है 1.5 किलोमीटर कुछ रह जाता है। तो चल रहे हैं अभी शिव चौक के लिए जा रहे हैं। और देखिए इस वक्त हमें अपने अभी शहर के फ्लाईओवर पे मुजफ्फरनगर के, और ये अपने शहर का जो है रेलवे स्टेशन है, और आप मुजफ्फरनगर का अपने शहर रेलवे स्टेशन। तो भाई आज बाजार, ये देखिए भाई अभी हम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं। तो भाई यहाँ बीच में पड़ता है हनुमान जी का मंदिर, जय श्री राम। और भाई हमने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए हैं, और आने ही वाला है शिव चौक। और आप यहाँ जरा शहर का माहौल देखिए, यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है रौनक है, क्योंकि हमारे इधर वाले मार्केट में जो संडे को बाजार बंद रहता है, लेकिन जो ये शहर वाले मार्केट होते हैं ये बंद होते हैं मंगल के बार के दिन। और यहाँ सब भाई फास्ट फूड वगैरह वगैरह सब यहाँ मिलते हैं। हम तो भाई फास्ट फूड वगैरह वगैरह सब नहीं खाते, क्योंकि जब मैं पहले रेसलिंग करता था तो ये सब मैंने चीज़ें काफ़ी पहले ही छोड़ दी थी, तो जब से लेके अब तक ये चीज़ें जो है मैं खाता ही नहीं हूँ। ये देखिए भाई यहाँ काफ़ी सारी शॉप है। अरे ये अपना शहर है भाई, अपना शहर मुजफ्फरनगर। और देखिए ये है झांसी की रानी, इस जगह का नाम झांसी की रानी है। ये देखिए, और यहाँ पर झांसी की रानी की भी एक मूर्ति भी बनी हुई है। तो सामने आ गया है शिव चौक। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बस मुझे एक डर है कि थोड़ा मंदिर जो है वो बंद ना हो गया हो। तो भाई हम लोगों ने जो है अपनी एक्टिवा यहाँ पार्क कर दी है, और हम अपनी एक्टिवा पार्क करने के बाद जा रहे हैं आगे शिव चौक का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के सामने तो हम जो है पार्क नहीं कर सकते। और वो रहे सामने हमारे महादेव, और आज सोमवार का दिन है इसलिए मंदिर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। भाई हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। आप कितनी ज्यादा भीड़ है, चढ़ा दिया है बाबा भोलेनाथ को। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, हम लोग निकाल लें अपने एक्टिवा। और ये हमारे साथ आए थे शौर्य भाई और देव, ये अपने देव भाई जो हमारे साथ आए थे अभी, यही मेरी अभी यही भाई जो है मेरी वीडियो शूट कर रहे थे,
जब मैं मंदिर में था अंदर, और ये अपने अंश भाई हैं, अपने ड्राइवर, मतलब ड्राइवर नहीं भाई हैं फिलहाल के लिए, भी अपनी एक्टिव ये चला रहे हैं। तो हम लोग आ गए भाई वापस अपने घर, और सामने देखे बालाजी धाम है ये हमारे शहर का। ये जन्माष्टमी तैयारी देखिए कितनी सुंदर हुई है यहाँ पर, और आप डेकोरेशन देखिए कितना सुंदर सजाया गया जन्माष्टमी के लिए। और जन्माष्टमी के वक्त भाई यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होगी, और सामने कथा चल रही है भाई। जन्माष्टमी के समय भाई यहाँ पैर रखने तक की जगह भी नहीं होगी, इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। और ये देखिए, और हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर पर, अपने बालाजी धाम पर, और यहाँ के भी डेकोरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर चल के। और ये डेकोरेशन देखिए भाई आप, कितनी प्यारी की हुई है यहाँ पर, सब कुछ ब्लू ब्लू हो रखा है, ब्लू लाइट जला रखी है। और ये देखिए झूमर कितने प्यारे लग रहे हैं। और भाई आने वाले जन्माष्टमी पर तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर पर, अपने बालाजी धाम पर। और इधर चल रही है कथा, यहाँ की तरफ भी सजाया गया है काफ़ी सुंदर। और भाई टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मंदिर जो है बंद हो चुका है हनुमान जी का, ये अपने यहाँ का बालाजी धाम मंदिर है, ये बंद हो चुका है। और अभी जो है सारे मंदिर ही बंद हो चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट आए हैं। बस मैं आपको भी सजावटें दिखा सकता हूँ यहाँ की, बाहर की दर्शन मैं आपको बाद में करवाऊँगा। अभी फिलहाल शायद खाटू श्याम जी वाला मंदिर खुला है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जा रहे हैं वापस घर, और जितनी भी मंदिर की डेकोरेशन थी वो मैंने आपको दिखा दी है। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर के लिए, और मैं कल दोबारा आऊँगा मंदिर पर, और कल आपको दिखाऊँगा पूरे तरीके से जो मंदिर की जितनी भी सजावट हो रखी है वो सब, और पूरे जन्माष्टमी का जो मेला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए आप चैनल पर मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।